बड़ा मजा आवे नथनिया। भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चाय ज्यादा अच्छी है या आपकी बीवी ज्यादा खराब? मतलब सीधे मंडप से भागे आ रहे हैं क्या? चाय का मंडप, 3 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी शेरवानी, ये गमछा 40,000 की खरीदी थी मैंने, अब क्या इसके पैसे वसूलने के लिए क्या 20-25 और शादियां करूं मैं? तो अपनी कड़छी घुमा चुपचाप। दूल्हे के हाथ में दूध का गिलास बने थे, कटिंग चाय पहली बार देख रहे हैं। गौर से देखिए इस आदमी को। क्या चीज है यार, तो चलते हो कमाल लगेगी, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। जिसकी भी होगी ना, ये पूरी फैमिली को संभाल लेगी बॉस। कौन है बे? तुम्हारा बॉस। सर, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर जमा? मैं ब्यूटी की तारीफ कर रहा था सर जी। गाड़ी पर ध्यान दो। सर जमाल लड़का हूँ, गाड़ी पे ध्यान दूंगा। और बताओ? और क्या बताऊं सर, बड़ी दीदी के लिए ढंग का लड़का नहीं मिल रहा सर। कुछ आपकी नजर में होगा तो बताइए। मिस्टर जमा, फ्यूचर छोड़िए सर, उधर देखिए मेरा फ्यूचर आ रहा है। शट अप, क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करो। अच्छा यार, बेटा लड़का बहुत ही अच्छी फैमिली से है। मॉम पहले गाड़ी देख ले, लड़का बाद में देख लेंगे। और अगर दोनों काम एक ही जगह हो जाए तो? ये रही गाड़ी और क्या? यू नो व्हाट आई मीन। कपूर साहब का बेटा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा घर है और खूब स्पेस है। स्पेस तो इसमें भी कम नहीं है मैम, huge, you know, आप और घर तो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन इसको आप कहीं पे ले जा सकती हैं, you know, कुल्लू मनाली, लोनावला, खंडाला। क्या? 6 लोगों की फैमिली, इतनी झंझट? और शादी के बाद 7 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, इट्स अ 7-सीटर। और अगर जुड़वा हो गए तो? तो एक को पति की गोद में बिठा दीजिएगा मैम, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, झंझट ही कोई नहीं। अरे लड़का एवरेज लुकिंग है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो हम भी कर लेंगे, है ना स्वीटी? लेकिन यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैम, ना ही लुक्स में और ना ही एवरेज में। एसेसमेंट? क्या बात कर रहे हो मेरी बेटी से? चलो बेटा, कपूर साहब ने हाँ कह दी अपने बेटे की। Thank you for watching this video. If you like this video, do tell us through your likes, comments and shares. You can also subscribe our channel for more such videos.